हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डिलाइट अकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो बेसिक सीरीज का वीडियो नंबर 32 और एक्सपोनेंट सीरीज का वीडियो नंबर 3। आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंट के कुछ फंडामेंटल रूल्स के बारे में, जो रूल्स आपके सिंप्लीफिकेशन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इस रूल्स के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल है ए रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। आप किसी भी नंबर का पावर 0 देखते हो तो आप तुरंत आप उसका आंसर 1 लिख दोगे। जब किसी आप फर्स्ट वाले रूल के अंदर ए रेज टू 0 है तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे, 1। सेकंड वाला रूल है उसके अंदर जब किसी नंबर की पावर ए रेज टू 1 हो जाता है तो उसका आंसर नंबर अप इटसेल्फ आता है। मतलब जैसे ए रेज टू 1 है तो आंसर क्या आएगा, ए अकेला आएगा। फिर सेकंड हम बात करें कि पेज हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे वाला पेज लिखा है ए रेज टू 0 है तो हम 1 लिखेंगे, और जब ए रेज टू पावर 1 किसी भी नंबर की पावर 1 होगी तो वो नंबर खुद अपने आप में आंसर आएगा। फिर जब किसी नंबर की पावर होती है तो हम उस क्या करते हैं, उस पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर जब किसी नंबर की पावर माइनस में होती है तो हम उसको क्या करते हैं कि पूरे नंबर को 1 बाय करके लिखते हैं। फिर जब किसी नंबर को 1 बाय करके लिखा हुआ रहता है और उसकी भी पावर होती है तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को लिखकर उसकी पावर को माइनस में दिखाते हैं। फिर जब किसी नंबर का पावर हो और उसकी भी पावर 0 हो तो हम उसका आंसर 1 लिखते हैं। जैसे हम डिस्कस करेंगे, अभी हम बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको कौन सा फॉर्मूला लगा कब लगाना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 5 रेज टू 3 रेज टू 2। यहाँ पे पावर की पावर वाला फॉर्मूला लगेगा। हम अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करें तो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर सी लगने वाला है कि पावर की पावर आपका है तो क्या होता है कि पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 5 रेज टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। फिर सेकंड बात करें तो 5 रेज टू 0 है तो जब भी किसी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर जब किसी नंबर की पावर माइनस में होती है, यहाँ पे देखो किसी नंबर की पावर माइनस में है तो हम क्या करते हैं कि वहां पे उस नंबर की पावर माइनस में है तो उस नंबर को 1 बाय करके लिखते हैं। फिर नेक्स्ट जब किसी नंबर को हम 1 बाय करके लिखते हैं तो 5 की पावर 7 है तो यहाँ पे ई वाला फार्मूला देखो आप, 1 बाय करके 5 ए की पावर वाई है तो हम क्या करेंगे कि पावर को माइनस किया हुआ है तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे पावर को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 5 रेज टू 1 है, किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो आंसर वही आता है। तो यहाँ पे 5 की पावर 1 है तो हम आंसर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो हम भी क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे किसी नंबर की पावर माइनस में है तो किसी नंबर की पावर माइनस में होने की वजह से हम क्या करते हैं, उस नंबर को 1 बाय करके लिखते हैं तो यहाँ पे 1 बाय 3 रेज टू 5 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट किसी नंबर की पावर माइनस में होती है तो हम क्या लिखते हैं, नंबर की पावर माइनस में होती है तो आंसर 1 लिखते हैं, चाहे वो नंबर माइनस में हो, प्लस में हो, फ्रैक्शन में हो, कोई भी हो, पावर 0 होती है तो हम आंसर क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने कुछ एक्सपोनेंट के कुछ बहुत ही 1 मार्क्स में आने वाले एमसीक्यू वाले रूल्स हमने डिस्कस किए। आने वाले वीडियो के अंदर हम एक्सपोनेंट के थोड़े कॉम्प्लेक्स रूल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम एक्सपोनेंट आपको पूरा सिखाएंगे और लीनियर इक्वेशन अलजेब्रा के साथ साथ हम आपको एक्सपोनेंट के अंदर भी मास्टर बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इस वीडियो के बाद हम एक्सपोनेंट के कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट वाले रूल्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।